हैप्पी जन्माष्टमी ऑल ऑफ यू, जय श्री कृष्णा। तो आज मैंने जो भी हमने किया जन्माष्टमी में वो एक व्लॉग बना के डाला है। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा और बिना स्किप किए हुए वीडियो देखेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आज हमने ये प्रसाद वहाँ पर खाया, हम मंदिर गए, कन्हैया जी को झूला झुलाया जो कि बहुत अच्छा लगा। आज के दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि सुबह मैंने स्टार्टिंग की इलायची वाली चाय से। आज विक्रांत ब्रेड में पूड़ी लाए थे जो कि हमने काफ़ी टाइम बाद खाई थी। साथ में ना हम नाश्ता कम ही कर पाते क्योंकि वो ऑफिस चले जाते हैं, जब वो घर में होते हैं हम तभी नाश्ता करते हैं ना, है ना अक्षु। और यहाँ पे अक्षु अपना खेल रही थी, मैं टीवी में राइम्स लगा देती हूँ ना तो अपना राइम्स में ही खो जाती है। मैंने अपना बेड बना दिया, उसके बाद ना सोचा अक्षवी को नहला दूँ। अक्षवी नहा के ना अपना फिर खेलती रहती है, मैं इतने ना अपना लंच रेडी कर देती हूँ। यहाँ पर मेरी अक्षवी मुझे हेलो कर रही थी, उसके बाद मैं नहा ली क्योंकि मुझे बाद में लंच भी बनाना था। तो यहाँ पर मैं रेडी हूँ लंच बनाने के लिए आराम से। और उसके बाद ना कुछ कपड़े रखे थे पैक करने के लिए तो उन्हें भी मैंने फोल्ड करके अच्छे से रख दिया। तो ये मेरे घर के मंदिर की क्लिप है, मैं एक्चुअली बहुत मिस कर रही थी क्योंकि जब हम वहाँ घर में मायके में हुआ करते थे ना तो शायद वो और मेरी तरह और भी लड़कियाँ होंगी जो जिन्हें शौक होगा अपने मंदिर को सजाना, सामान लाना। फेस्टिवल होता था तो बहुत क्रेज़ होता था घर में कुछ नया लाना, कुछ करना, डेकोरेशन करना, तो मैं उनमें से ही एक हूँ। तो बहुत मिस कर रही थी तो भाई से कहा कि एक क्लिप बना के भेज दे। तो ये मेरे घर का मंदिर है, सोचा आप लोग भी देख लोगे तो मैं उससे क्लिप मंगवा लेती हूँ। और उसके बाद हम मंदिर गए थे, मैंने अपने ठाकुर जी वहाँ पे मंदिर में जो ठाकुर जी थे उन्हें झूला झुलाया, बहुत ही अच्छा लगा। विक्रांत ने भी झुलाया था झूला। हम यहाँ पर थे तो यहाँ पर ना नृत्य नाटिका जिसे कहते हैं ना, तो भोलेनाथ की नृत्य नाटिका हो रही थी, कन्हैया जी की नाटिका हो रही थी। जब तक तो हम जा चुके थे तो हम थोड़ा सा ही देख पाए। फिर हम आ गए जन्माष्टमी मेला में, यहाँ गोद में है अक्षवी अपने पापा के, हम चल रहे थे साथ साथ। तो वहाँ से ना मैंने ये दो ट्रेज ली थे तो इन दोनों की क्वालिटी बहुत अच्छी है प्राइस के अकॉर्डिंग, तो ये दोनों मैंने अपने घर के लिए ले ली थी जो मुझे कलर अच्छा लग रहा था काफ़ी। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए क्लिप डाल दिया है। वहाँ पर ना जिस तरह से प्रेम मंदिर में कन्हैया जी की जीवन शैली को अच्छे से दिखा रखा है ना, उस तरह से ही ऐसे स्टैचू के अकॉर्डिंग हमें दिखाया हुआ था। बहुत ही ब्यूटीफुली क्रिएट किया हुआ था उन्होंने, उनका जीवन अच्छे से एक्सप्लोर किया था। जैसे वो रासलीला करते थे, माखन चुराते थे, उनके जन्म से लेकर उनकी लीलाएँ सब अच्छे से दिखा रखी थी। मैंने ना स्पीड बढ़ा दी है ताकि आप लोगों को कन्वीनियंट रहें। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था, गुफा टाइप पहले अगर आपने बचपन में देखी हो वो पानी ठंडा ठंडा भरा होता है पैरों में और जन्माष्टमी के टाइम कुछ इस तरह से डेकोरेट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर थे बचपन में तो बहुत ही इन्जॉय करते थे इन सब चीज़ों को, तो अब एक बार आज फिर देखने को मिला। फिर वहाँ पर ना हमने कढ़ी चावल का प्रसाद भी खाया था जो कि बहुत टेस्टी था।